हम लोग मेथड पढ़े थे इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट यही पढ़े थे, थे? Yes. चलिए तो थोड़ा सा ब्लर्ड नजर आएगा मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा राइट डाउन द हेडिंग इन योर कॉपी सिल्डन सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सुटेबिलिटी इज

क्वायर्ड इज एक्ट तो एक्सी ऑफ इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे नेक्स्ट राइट डॉन चलन मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट्स कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रेगुलर बेसिस पे अगर आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड यूज करना पड़ेगा अगर ढेर सारे लोगों से इंफॉर्मेशन चाहिए एरिया बहुत बड़ा है तो भी आपको मेथड यूज करना पड़ेगा इज दैट अंडरस्टूड इज दैट अंडरस्टूड चलिए तो पहला पॉइंट चल मेरिट का एकदम सेम है वाइड कवरेज वॉट इज द पॉइंट तो आपने ऑलरेडी सुटेबिलिटी में पढ़ा हुआ है और अगर आप खुद ना जाए और लोगों को लगा दे चल तो कॉस्ट ऑफ डेटा कलेक्शन विल बी कंपेरेटिवली वेरी लो मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर एजेंसी के एडिटर हैं चिल्ड्रेन क्या है एडिटर इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर तो आप इंफॉर्मेशन सो कॉल्ड खुद अगर कलेक्ट करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा आपके लिए डिस्टेंस प्लेसेस ट्रेवल करना बट अगर आप लोगों को हायर कर दें तो आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा ओके जनरल वेन द पर्पज टू कलेक्ट द डेटा रिलेट्स

सुटेबिलिटी so, आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपके मेरिट भी हो ही जाएंगे डीमेरिट्स क्या है इस मेथड की X, एक है, एक है, एक है। ये से थोड़ा घबराते हैं तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन किनसे बटोर के लाएंगे मेल से ये मेल से थोड़ा घबराती हैं, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट करके लाएंगी फीमेल से और ये बेचारे एनिमल लवर हैं तो ये ना मेल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ना फीमेल से तो भाई जब हमारा कॉरेस्पोंडेंट बाइस हो जाएगा क्या इंफॉर्मेशन मिल पाएगी हमको नो no. तो इंफॉर्मेशन में होमोजेनिटी नहीं होगी कुछ लोग कभी कभी किसी ना किसी सोसाइटी को लेके बड़े पार्शल हो जाते हैं जैसे मान लीजिए हम न्यू दिल्ली की बात करें अब न्यू दिल्ली के जो थोड़े लोकल मोहल्ले हैं पुराने टाइप के जमुना पार साइड तो वहां लोग बड़े फ्रेंडली होते हैं अब वो फ्रेंड्स कॉलोनी हो गया साउथ दिल्ली हो गया थोड़े हाईफाई लोग रहते हैं अगर कोई किसी घर में मर भी गया तो पंद्रह दिन तक डेड बॉडी जब तक महक ना आ जाए तब तक पता नहीं लगता है कोई मरा हुआ है कितने मीन माइंडेड और श्रूड लोग होते हैं तो अब अगर आप ऐसे मोहल्ले में जाए तो आपको क्या लगेगा यहाँ के लोग बड़े मीन माइंडेड है तो जो आपका डेटा कलेक्ट करने का जो उनसे सवाल जवाब करने का लॉजिक होगा वो उसी तरह का होगा और अगर आप वो जमुना परियों के पास चले आएंगे तो आप उनसे उसी भाषा में बात करेंगे तो मेनी अ टाइम्स इट मे लीड टू वॉट इज कॉल्ड चिल्ड्रन

एक्सपेंसिव एज ओ वेल सारे डीमेरिट्स समझ गएगा क्या, -क्या प्रिकॉशन है जो अपॉइंटमेंट आप कॉरेस्पॉन्डेंट का कर रहे चल रहे हैं उसमें काफी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी क्योंकि अगर वही थोड़े से इलिटरेट या अनएजुकेटेड है या थोड़े से प्रेजुडिस का मतलब पता होता है नहीं पता अरे अंग्रेजी में अस्सी नब्बे आ गया लोगों को पता ही नहीं प्रेजुडिस का मतलब क्या है है जैसे मेरे को किसी जमाने में लगता था कि लड़के बड़े कलंकित टाइप के होते हैं और लड़कियां एकदम देवी कुछ ऐसी हरकतें मैंने देख ली कि मेरा तो विश्वास ही उठ गया एक्सेप्ट बायोलॉजिकल डिफरेंसेस देर आर नो डिफरेंसेस समझ में आया कि नहीं आया एक लड़की तो पढ़ती थी पंद्रह बीस दिन से क्लास में गोला मारी थी तो मैंने पूछा कहाँ गायब थी दो चार रिश्तेदार को ले भी वो सर इनकी डेथ हो गई उनकी, उनकी मम्मी का फोन आ गया वो पे घर नहीं पहुंची तो उनकी मम्मी का, सर आपकी कैसी है ऑपरेशन कैस चल रहा था तो मैंने कौन सा ऑपरेशन किस बात का ऑपरेशन मैं तो भला चंगा हूं और तो खांसी जुकाम भी बहुत कम रहता है बुखार भी दो चार पांच साल में ऊपर कृपा से एक ही दो बार हुआ होगा फिर सर आज दीजिए जरा तो ऐसे ऐसे भी कलाकार लोग मेरे को मिल जाते हैं सोचना क्या तो जो मेरा बायस एटीट्यूड था, था कि भाई देवी है मूर्त है ये सारा एटीट्यूड खत्म हो गया उसके बाद तो एक दो भाभी जी लोग ऐसी आ गई उन्होंने बोला सर बहुत चंट टाइप की मैं बिटिया जरा भी सर डिस्काउंट मत दीजिएगा और कूट कूट के बढ़ाइएगा एकदम तो। मैंने कहा रहा आप टेंशन ना लीजिए नाउ आई एम ट्रेंड तो पहले मेरी विचारधारा अलग थी मैं लड़कों को थोड़ा दलित समझता था और लड़कियों को एकदम सीधी सादी टाइप समझता था अब आजकल सिस्टम उल्टा चल रहा है यहाँ लड़के तीन लोग गाड़ी में बैठे लड़कियां चार चार बैठी हैं मुकाबला चल चलना बी कुछ, बी कुछ। children, हो सकता है ढेर सारे हो और हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट पूरी तरह से इनको कवर ना कर पाए इसलिए ये मेथड उतना बढ़िया नहीं है मेनी टाइम से जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं ये अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत कम करते हैं और जो इनसे बोला जाता है ये काम सिर्फ उतना ही करते हैं सो दे शुड बी हैविंग एनफ एजुकेशन कि अगर कोई प्रॉब्लम फंस जाए तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला पाए बट मेनी टाइम्स ये उतने पढ़े लिखे होते नहीं है इसीलिए इस मेथड को हम बहुत कम यूज करते हैं झटपट अपडेट कर लीजिए अगला मेथड आता है बच्चों हमारा हेलो हाय कैसे हैं आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू कभी कभी फोन आया होगा हेलो सो एंड सो बोल रहे हैं हाँ सो एंड सो बोल रहे हैं आपको सुन के खुशी होगी पांच हजार लोगों का लकी ड्रॉ हुआ था उसमें आप जैसे मनुष को ही सिलेक्शन मिला है आप कहेंगे वाह इतनी औकात हो गई हमारी उसके बाद वो ओटीपी वगैरह कुछ पूछ लेंगे आपसे तुरंत आपको सफिक्स सफिक्स लगा के फोन काट देना है क्या सफिक्स प्रिफिक्स लगाना है क्या लगाना आपको ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड पे चल रहा है कहीं सेंसर ना हो जाए मेरा चैनल इज दैट क्लियर बाकी आप उत्तर प्रदेश की पैदावार हैं जानते हैं क्या किसको कैसे बोलना है चलिए भाई तो यहाँ पे आपसे बच्चों डेटा कलेक्ट किया जाता है ओवर द टेलीफोन तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे 99% आज की तारीख में इस तरह के टेलीफोनिक इंटरव्यूज जो होते हैं बच्चों ये पूरी तरह से फेक होते हैं जाम तोड़ा से आए हाँ सारे के सारे 1% परसेंट कैन बी ओरिजिनल आई रिपीट 1% परसेंट कैन बी ओरिजिनल तो यहां पे ये जो सो कॉल्ड इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है चल रहे है, ये आपसे क्वेश्चन के 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 आंसर उगलवाएगा और ये सबसे बढ़िया मेथड पे पे होता है आप आप किसी के चेहरे के सामने सच्चाई उगल ना पाए। जैसे आपसे पूछा हेलो आपने कितने कत्ल किए है? तो है, तो हैं तो तुम्हारा सबका देखा होगा एक जगह टेलीफोन पे ठेपी लगा ली एयरफोन लगा लिया, लिया नेताजी ने और एक जगह जो वो है ओम कश्यप जी हैं कह रहे कितनी सीट आएगी कह रहे हैं छे सौ पार कह रहे बैल बुद्धि इलेक्शन ही पांच सौ तिरालीस पांच सौ सैंतालीस पे है अब सर ये पांच सौ सैंतालीस कहाँ से है इलेक्शन कितनी सीट पे होता है चिल्डर बट पता है पार्लियामेंट में फाइव फोर्टी थ्री सीट नहीं होती है इससे ज्यादा होती है दो एंग्लो इंडियन की सीट होती है दो सीट हमारे पीओ के भी वहां पे है इज दट क्लियर तो आपके ज्योग्राफी हिस्ट्री के टीचर ने शायद बताया होगा फाइव फोर्टी थ्री से ज्यादा है I know the exact number. ये 549 के आस पास है खैर okay. तो पूछते ना कि भाई कितनी सीटें आएंगी एंड ऑल दैट तो यहां पे सामने सामने नहीं है क्योंकि कश्यप जी भी जानती हैं पता लगा नेता जी भड़क गए चप्पल मार दिए नेता को ही पता है सबके सामने बोलूंगा पता है लोग मुंह पे तो इन दैट केस कौन सा मेथड चलता है टेलीफोनिक इंटरव्यू और आजकल पोल तो व्हाट्सएप भी होता है जैसे पार्टी के लिए बच्चों से स्टूडेंट से पूछ सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग तो फोन उठाते ही नहीं और जैसे ही फोन आता है हेलो, सो बोल रहे हैं, हाँ सर वो हम जरा इस इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहे हैं कट फोन एकदम इज दैट क्लियर नॉट तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इनसे पकना बिल्कुल भी नहीं चाहते तो रिस्पॉन्स रेट क्यों लो है ये मैंने आपको बता दिया तो फीचर आई वी आर एस का कॉल आता है चलन आई वी आर एस इंटरक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम ऑटोमेटिकली मशीन आपको फोन करती है और ए आई इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है आपको दो से तीन मिनट बात करने के बाद पता लगेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं एआई से बात कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है मैंने विंडोज का मोबाइल लिया था और मेरा एक्सेल उसमें कॉन्फिगर नहीं हो रहा था तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट की हेल्पलाइन पे बात की लगभग लग दो ढाई मिनट मैंने बात कर ली तब जाके मेरे को पता लगा कि मैं किसी अंकल आंटी से बात नहीं कर रहा हूं मैं ए से बात कर रहा था मतलब शाहिद कपूर के साथ जैसा हुआ था तो इस ए का मेरे को पता कब लगा कि मैं ए से बात कर रहा हूँ जब वहां से रिप्लाई आया वी आर एबल टू आंसर योर क्वेरीज एनी फर्दर

पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा उतना ए में पावर है कि वो एक सेकंड में कमा सकता है पैसा इतना भयंकर है चिल्ड्रन कॉपी डाउन दीज चिल्ड्रन वेरीबिलिटी प्रज्ञा जी का प्रश्न था बड़ी देर से पूछना चाह रही थी अब हमारे पास टेलीफोन कनेक्शन ही नहीं है तो क्या भाई टेलीफोन इंटरव्यू हो सकता है नहीं हो सकता आज बच्चों टेलीफोन नहीं चलता क्या चलता है सेलुलर फोन या मोबाइल फोन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सर्वेस वहां काम आते हैं द कॉल इज ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन ऐसे मम्मी चाची जी से चार घंटा और मौसी जी से आठ घंटा बात कर सकती हैं बट अगर टेलीफोन इंटरव्यू हो जाए किसी चीज का वो कहेंगे चलो बड़ो फोन ना करना मैं तो चप्पल ही चप्पल मारूंगी मैं दो बातें समझ में आ गई समझ में आ गई तो टेलीफोन कनेक्शन का होना जरूरी है एज वेल एज ड्यूरेशन शुड बी इस तरह के इंटरव्यू के कुछ मेरिट्स हैं बच्चों टेलीफोन एक पर्टिकुलर जगह पे है आप दूर तक कॉलिंग कर सकते हैं टेलीफोन कॉलिंग इंडिया में किसी जमाने में बड़ी महंगी होती थी आज ये इंसान के ईमान से सस्ती हो चुकी है चिल्ड्रन तो यू कैन कवर अ वाइड एरिया बिकॉज़ यू नीड नॉट टू ट्रैवल और बड़ा सस्ता होता है और अगर कोई भी डाउट है तो आप इसे ओवर द कॉल क्लेरिफाई कर सकते हैं बच्चों बट कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ओवर द कॉल चीजें समझ में कम आती है भाई यूट्यूब पे मूवी समझ में आ जाती है फेसबुक समझ में आ जाता है बट आपको और चीज समझ में नहीं आती तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए आजकल आपने शायद कुछ ऐसे ऑनलाइन पोर्टल सुने बच्चों ई डेस्क सुना है और सबसे पुराना जो बड़ा कामयाब था बच्चों दैट वॉज टीम व्यूअर पता है टीम व्यूअर क्या होता है आप मेरे को एक लिंक भेजेंगे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरा इंटरनेट सो so कॉल आपके इंटरनेट से कनेक्ट होके मेरे कंप्यूटर या मोबाइल फोन का एक्सेस आपको मिल जाएगा और अगर मेरे को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है तो आई स्टे अलूफ और आप मेरे कंप्यूटर को पूरा यूज कर सकते हैं रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी इसी तरीके से हम लोगों को सो so कॉल किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में या किसी चीज की प्रॉब्लम आ गई तो उसके ऊपर गाइड कर सकते हैं यहाँ पे तो आपके घर में लेटेस्ट से नई वॉशिंग मशीन आई तो यू गेट अ पर्सन टीचर इस्तेमाल करना है अमेरिका वगैरह में लोग तो कम है तो वहां पे लोग घर पे नहीं जाते ओवर द कॉल बता देते हैं क्योंकि वहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो समझ जाएंगे ये बटन दबाना है हिंदुस्तानी कौन सा बटन दबाना है ये चार्टर नजर आ रहा है हमको दाए वाला एक बाएं वाला कहकर रखो हमारे घर परेशान ना हो समझ में आ गया तो वहां पे पीपल आर एजुकेटेड तो ये बेसिकली इसके मेरिट से डी मेरिट में आपको एक चीज तो ये भी मिल जाएगी एप्लीकेबल फॉर लिमिटेड यूज गांव वगैरह में ही ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है बच्चों मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं आज तो 80 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास मोबाइल फोन है या उससे भी ज्यादा बट जिस जमाने में लैंडलाइन होते थे क्या गांव वगैरह में लैंडलाइन फोन था बिल्कुल नहीं तो इट्स अ डी मेरिट चिल्ड्रन और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला अगर आप उसके सामने होते तो आपको आंसर और बेटर देता बट क्योंकि आप उसके सामने नहीं है तो वो आंसर कुछ गड़बड़ घोटाला दे रहा है तो विजुअल फीडबैक इज मच बेटर देन फीडबैक तो अगर मैं ऑफलाइन क्लास में किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो मेरे को चेहरा देख के समझ में आ गया ऐसे वाला है चेहरा उसका। नहीं समझे सर ड्राइंग ठीक बनाएंगे तो समझेंगे ना चलिए ये है बच्चा ये उसकी आंखें चेहरा ऐसा है तो भाई मतलब उसको चीजें समझ में कमाई बेचारा ऐसा है सर ये नाच छूट गया है पागल पागलखाने से बट ऑनलाइन क्लास में जब चेहरे नजर ही नहीं आते क्या मैं सेंस कर पाऊंगा द चाइल्ड Whom am I teaching not cheating is feeling good or bad तो ऑफलाइन क्लासेस बेटर और ऑनलाइन इज बेटर भैया स्वाद अनुसार कोई लोग घूर रहे हैं ही क्या है में आ है समझ में क्या चलिए एक्सक्यूज्ड विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल हां सामने वाला कुछ बता तो रहा है बट मन से नहीं बता रहा आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ बोल रहा है Is that clear? मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में लेट है मैं उससे कह रहा हूँ लेट क्यों होगा सर यू कैरी ऑन सर आप पढ़ाइए सर आपसे क्या मतलब अब इसका मतलब बच्चा अपने आप को चुलबुल पांडे समझ रहा है तो उसके कान के नीचे दो कंटाप लगानी पड़ेगी इज दैट क्लियर अगर बच्चा है सॉरी आई गॉट लेट सर समझ में आ गया थोड़ा ज्यादा सो गए थे सर ए सी थोड़ा बढ़िया चल रहा था फिर मम्मी बोली जा रहे हो तो सर के लिए एक किलो गाजर का हलवा लेते जाओ सर हलवा रास्ते में गिर गया सर समझ में चेहरा देखने से पता लग जाता है मैनी टाइम कि बच्चे को कितनी पढ़ाई हुई बात समझ में आई और कितनी नहीं कुछ ऐसे डपोड़संग की तरह बैठे हुए हैं इज दैट क्लियर तुम आप पूछ देते भाई और बोल लो कुछ हंस रहे हैं इसका मतलब उनको ठीक से समझ में

तो 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 व्यू हाँ। हाँ तो 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 आप लिख सकते हैं मोबाइल से कर सकते हैं मान लीजिए ठीक है आप वीडियो वीडियो कॉल करने कर सकते हैं बट सामने वाला कह रहा है पूछना पूछो मैं फोन तो नहीं ऑन करूंगा वीडियो ऑन नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस समय झाड़ू लगा रहा हूँ घर में इज दैट अंडरस्टूड और नॉट पूरा हिंदुस्तान में हेरिटेज सिलेबस पढ़ाया जाता है हर चीज का ओके चलिए लिख दिया सबने डी आ गया बच्चों अगला मेथड मेल्ड क्वेश्चन आयर ये सबसे ज्यादा आपको मैगजीन में नजर आता है बच्चों मैगजीन में एक प्रश्न पत्र लिखा होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जनरली आपको मिलेंगे आप उसको टिक क्रॉस कर दीजिए एक एनवलप होगा उस एनवलप के अंदर उस क्वेश्चन पेपर को डालकर धूप से सीलमत लगाइएगा बोटर से लगाइएगा और उसको बंद करके ऑलरेडी उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है आपको स्टैंप अलग से पे करने की जरूरत नहीं है बड़े बड़े कॉर्पोरेट पोस्टल डिपार्टमेंट को लाखों करोड़ों रुपए एडवांस पेमेंट कर देते हैं इज दट क्लियर और उनको लाइसेंस मिल जाता है भाई आप एक करोड़ रुपए दे दीजिए और चार करोड़ एनवलप हम आपको छापने की परमिशन देते हैं तो सर उनको कैसे पता लगेगा कितनी मैगजीन में छपा मैनी पड़ती है आपको वो नंबरिंग मेनी टाइम्स अगर नंबरिंग नहीं होती तो जिस मैगजीन के अंदर ही आ रहा है मैगजीन कंपनी जो पब्लिशिंग हाउस है वो सर्टिफाई करेगा हमने कितनी कॉपीज छापी हैं तो अगर बोले हमने पांच करोड़ कॉपी छापी और हमने पांच करोड़ एनवलप उसके ऊपर रखे अंदर रखे तो पोस्टल डिपार्टमेंट कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाएगा फिर इज एनवलप्स आए तो धांधेबाजी कम होती है, वैसे बट कुछ करने वाले लेते है तो ये होता है इज दटर हाँ बोलियो इन रिटर्न बहुत कम आते हैं बट उस केस में वहीं पे कंपनीज बस बच जाती है ना क्या बट मेनी लोकल पोस्ट ऑफिस में पहले यूज होता था ये मान लीजिए कि मेरे को 500 जगह चिट्ठी भेजनी है तो 500 स्टैंप नहीं लगाएंगे एक स्टैंप मान लीजिए दो रुपए की है तो मैं हजार रुपए जमा कर दूंगा और वो ठप्पा होता है ना पोस्ट ऑफिस में वो ठप्पे लगाते जाते हैं उसके ऊपर तो ठप्पा भी स्टैंप के बराबर ही माना जाता है तो स्टैंप बेसिकली होता क्या है जैसे कोरियर वाले को आप चार्जेस देते हैं तो स्टैंप भी एक तरह का चार्ज ही तो है ना समझ में आ गई बात सो आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है बच्चों जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं और जगह होती है आंसर्स लिखने के लिए आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा टाइम्स ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन होता डिस्क्रिप्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव में जिनको लिखने में काफी कष्ट होता है जो आलसी टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने खाना चमाने के लिए भी आदमी हायर किए हुए हैं वो लोग इसको लिखने से कतराते हैं और तब आपका सर्वे Incomplete हो जाता है. This type is called as what? Open ending. गया? जैसे कोई आपको बुक भरने को दे दे. एक दो दो तो लिख लेते हैं. चार हुआ भैया औकात नहीं इतना लिखने की तो दैट इज इसीलिए स्क्रैप्रैप ही है बेसिकली वो। दोस्तों यार वोली किताब होती है ना जब बुढ़ा जाएंगे मिलने लायक नहीं कुछ दोस्त मर जाएंगे तो खोल खोल के उनके याद करेंगे फिर आत्मा आएगी क्या बोलते हैं उसको

के काम में ये चीजें ज्यादा यूज होती हैं और आजकल ये सब कैसे चलने लग गया है एसएमएस पे एक लिंक आएगा आपको आपको लिंक क्लिक करना है या तो पैसा चला जाएगा या तो क्वेश्चन आयर खुल आएगा और उस क्वेश्चन आयर में आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे हाँ गूगल फॉर्म टाइप भी आप बोल सकते हैं सुटेबिलिटी so भाई जब आपका इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा हो जाने की आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है तो व्हाट यू कैन डू आप मैगजीन के अंदर अपना क्वेश्चन आयर लगवा दीजिए और दूर दूर तक लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी बट एक प्रॉब्लम भी है चिल्ड्रन योर रेस्पॉन्डेंट शुड बी लिटरेट एंड कोऑपरेटिव कुछ लोगों को तो ज्यादा होमवर्क दे दो वो थक जाते हैं ये सरवानी जी समझ रहे हैं मेरी बात आप है तो क्या ऐसे इलिटरेट लोग आपका क्वेश्चन आयर भर पाएंगे बच्चों बिल्कुल नहीं तो ये न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में काम कर जाएगा बट गीसा कॉलोनी में फार्म में काम नहीं करेगा इज भूपिया मऊ में काम नहीं करेगा बट प्रतापगढ़ में काम कर जाएगा तो आपकी अगर जनसंख्या जिनके ऊपर आप सो कॉल्ड विश्वास रखते हैं डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं वो लिटरेट है बच्चों तो दिस मेथड इज गुड एल सी मेथड एकदम बेकार मेथड है हाँ अब मान लीजिए जैसे एक मैगजीन आती है भाई बिजनेस टुडे ठीक है और आपको इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करना है और आपको पता है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे तो जो बिजनेस टुडे मैगजीन इन द मंथ ऑफ जुलाई साउथ इंडिया के लिए छपेगी उसमें क्वेश्चन आयर लगवाइए और जो नॉर्थ के लिए छपेगी उसमें क्वेश्चन आयर मत लगवाइए इज दैट क्लियर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर कोई डेटा कलेक्ट करना है तो जो गुजरात की कॉपीज छपेंगी आप उसमें सो so कॉल्ड

उ इट इज इकोनॉमिकल भाई एक तो समय भी कम है पैसा भी कम और मेहनत भी कम लगेगी एंड द डेटा जो आपको मिलेगा अगर इसको सीरियसली फिल किया गया होगा चिल्ड्रेन सो यू विल गेट इट इन ओरिजिनल फॉर्म वट अगर लोग कॉपरेट नहीं कर रहे बच्चों तो क्या ओरिजिनलिटी होगी आपके डेटा में नो no. जो आपने पूछा इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चिल्ड्रेन कहने का मतलब क्लोज एंडेड है जो चार चॉइसेस दी गई हैं आंसर उसी में से होगा बाहर से तो होगा नहीं तो यू विल बी गेटिंग होंगे से वो एक छोटा हैं। या कभी आपके स्कूल में कोई वर्कशॉप हुई हो कोई सेमिनार हुआ कुछ लोग आते हैं बताने के लिए जैसे एफ डी डी आई नाम सुना है बच्चों फुटवे डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अब ये स्कूल स्कूल जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई यूपी में राय बरेली में हमारा एक सेंटर खुल गया है तो जो बच्चे बहुत दूर नहीं जा सकते बट फैशन डिजाइनिंग में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फोर ईयर थ्री ईयर डिग्री प्रोग्राम चला रहे हैं तो आपने सुना बहुत बढ़िया लगा अब भाई ये जो इंस्टीट्यूशन आजकल काम करते हैं ना बच्चों ये पीपीपी मॉडल पे काम करते हैं किस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जमीन सरकार देती है बाकी इंस्टीट्यूशन प्राइवेटली फंडिंग करके इसमें बना लेते हैं मैन टाइप्स ऐसा ही हो रहा है आजकल अब इनको पैसा चाहिए स्टूडेंट तो भाग भी सकता है

सेंड करेंगे बाय पोस्ट बेसिकली मेल्ड का मतलब ई नहीं समझना है क्लियर ये सब बातें इसलिए क्लियर करनी जरूरी है क्योंकि आपको एमसीक्यू में पूछेंगे डिपार्टमेंट एस एम एस तो आपका जवाब होगा पोस्टल डिपार्टमेंट समझे बातों को भाई सबने लिख लिया और आपको एक झूठ बोला गया है कि आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं होगा तो इट इज कंप्लीटली

बिल्कुल नहीं और अगर उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्वेश्चन आयर को भरने में चल रहे हैं। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया वो एकदम सही होगा उम्मीद कर सकते हैं भाई मैं आंसर आप ही से पूछता हूं जिनके मुंह में आपकी गुटली फंस गई बाकी लोग बता सकते हैं वेरी गुड चलिए मिस इंटरप्रिटेशन अब सर ये मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्वेश्चंस अगर ओपन एंडेड हैं और उस ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कॉन्टैक्ट नंबर क्या पूछा गया बच्चों yeah. तो पहले पॉइंट नंबर ए में ही लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर रोमन वन में लिखा है होम रोमन टू में लिखा है वर्क समझना क्या होम में तो लोगों ने लिख दिया नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन वर्क में क्या लिख दिया मैन्यूफेक्चर क्या वर्क आप करते हैं हमने ये लिख दिया बट लिखना क्या था कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर वर्क प्लेस तो लोग चीजों को कभी कभी गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं नहीं समझ में आया समझ में आ गया पक्का मान लीजिए मम्मी ने कहा बरसात का सीजन है घर वाले आने वाले टाइम में पकौड़ों की डिमांड करेंगे जाओ दो लीटर मस्टर्ड ऑयल ले मस्टर्ड ऑयल समझते हैं ना किस चीज का ऑयल होता है

मम्मी ने कहा जाओ छत पे सूख गए होगा ले आओ अब वहां पे आम की गुटली भी सूख रही थी कपड़ा भी सूख रहा था तो क्या? समझ में आ गया समझ में आ गया आप गए आम की गुटली लेके चले आए मम्मी ने क्या मंगवाया था कपड़ा आम को तो अभी और धूप लगनी है उसका अचार डलना है क्योंकि समझे कि नहीं समझे बी क्विक बी क्विक अगला पॉइंट क्या है बच्चों टाइम कंज्यूमिंग सर पोस्टल डिले आपने सुना होगा आजकल तो थोड़े लोग औकात में आ गए हैं नहीं तो पता लगा 1956 में चिट्ठी पोस्ट की गई थी और उन्नीस में आई जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन टू बना था और जब इंडस्ट्रियल आज ऐसा होता है नो no. रजिस्टर्ड पोस्ट 48 से बहत्तर घंटे में नियर बाय प्लेस अब ये नहीं सर मुंबई तो पांच दिन लग गया वहां तो लगेगा स्पीड पोस्ट और जल्दी चला जाएगा कोरियर सर्विस तो समय लीजिए आपकी जाने से पहले चली जाएगी वो इज दट क्लियर तो पोस्टल डिले होता है इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग है बट अगर आपने प्राइवेट कोरियर सर्विस ले ली तो पोस्टल डिले नहीं होता और आजकल ये सब कुछ बकवास है बच्चों सिर्फ और सिर्फ और एक चीज चलती है दैट इज गूगल फॉर्म दैट्स इट समझ में आ गया ये सिलेबस आपको रटाने के लिए समय बर्बाद करने के लिए रियलिटी में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है मैं आपको क्वेश्चन आयर मेथड के प्रकॉशन अभी नहीं बताऊंगा बच्चों ऐसा नहीं कि मेरे को आते नहीं है क्योंकि पहले मैं आपको क्वेश्चन आयर बनाना सिखा दूं जरा अगले लेक्चर पे फिर आपको बताऊंगा कि हमेशा आपका क्वेश्चन है एकदम छोटा होना चाहिए मेरी तरह नहीं साइज में मतलब इज दैट क्लियर और ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए पहला क्वेश्चन आर यू मैरिड any किड्स कैसे लिखे दस बारह है ऑप्शन ए था दो किड्स बी था चार सी था तीन और डी था ना ग्यारह बच्चे हैं क्रिकेट टीम बनाकर बैठे हुए हैं हर्ट द सेंटीमेंट्स समझना क्या तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहां नहीं होना चाहिए यू बिलोंग टू विच रिलीजन क्या ये सब पूछा जाना चाहिए नो no. तो आप अगर ऐसा पूछा जाए तो लिख दीजिएगा कॉमर्स ह्यूमैनिटीज ये सब के साथ घुल मिल जाते हैं वो साइंस वाले ही अपने वो एटम और मॉलिक्यूल के साथ सो कॉल्ड मौज करते रहते हैं ऑब्जेक्ट क्लियरली डिफाइंड हो कि हम क्यों सो कॉल्ड आपसे क्वेश्चन आयर भरवा रहे हैं

ठेगा नहीं माएगा वो तो लोग ये भी कोशिश करेंगे पेन भी साथ में मिल जाता तो टिक कर देते कम से कम तो आखिरी मेथड बचो और क्वेश्चन कैसे बनता है ये हम अगले लेक्चर में टेकअप करेंगे